नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली ऐतिहासिक किसानों की परेड में शामिल होने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जहां आज मुजफ्फरनगर में किसानों से न्यूज़ ऑल इंडिया की टीम ने बात की है। 26 जनवरी को किसानों की दिल्ली में होने वाली परेड को लेकर किसानों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जहां तमाम किसान दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में, मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुजफ्फरनगर और बड़ौत मार्ग पर। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो ट्रैक्टरों के माध्यम से आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे जोश और खरोश के साथ भारतीय किसान यूनियन और तिरंगा, दोनों झंडे इस पर आपको दिखाई देंगे। बाबा टिकैत और तिरंगे के साथ जो तमाम किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके के किसानों ने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है तैयार किए हैं, जिससे बारिश से और हवा से बचा जाए। और जो तमाम किसान है, देखिए किस तरीके से जोश और उत्साह इन किसानों में देखने को यहाँ मिल रहा है। और ये तमाम किसान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, डीजे भी एक तरीके से बजा करके उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये बताइए कितने ट्रैक्टर आपके यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और क्या एक संदेश मैसेज है, क्योंकि राकेश टिकैत वहाँ मौके पर मौजूद हैं और चूँकि तिरंगा है और टिकैत साहब के झंडे लगे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई ट्रैक्टर यहाँ से हमारे ही शाहपुर ब्लॉक से जो है करीब 500 ट्रैक्टर के करीब निकलने लग रहे, कुछ जालिया कुछ और निकला लग रहे, और यात्रा में चलेंगे सभी सभी परेड करेंगे ट्रैक्टर दिल्ली में जाके। बिल्कुल, दिल्ली में होने वाली परेड ऐतिहासिक परेड होने जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरीके से उत्साह यहाँ पर बने दिख रहा है। ये बताइए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम माजरे थे। कितने कितने ट्रैक्टर हैं आपके साथ? हमारे गांव के 56 ट्रैक्टर। अच्छा, 56 ट्रैक्टर हैं। 56 इंच का सीना देखेंगे हम, ये 56 ट्रैक्टर। बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से खफा दिख रहे हैं। 56 इंच का सीना देखने की बात यहां हो रही है। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कितने ट्रैक्टर आप कहाँ से आ रहे हैं? दुलेरा 25 ट्रैक्टर जी। हाँ जी। कब तक पहुंच जाएंगे दिल्ली इस तरीके से? 5-6 घंटे में जा लेंगे जी। कोई बीच में दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत तो हटा देंगे आज। हाँ जी, आज तो दिक्कत हटा देंगे। देखिए दिक्कत नहीं है, जहां तक मैं कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक आपको नजर जाएगी आपको तिरंगे से सराबोर ट्रैक्टर दिखाई देंगे, भारतीय किसान यूनियन के झंडे दिखाई देंगे। ये जो रोड है पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युवा शक्ति भी आपको दिखाई देगी जाते हुए। तमाम जो लोग हैं इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये केवल अकेला मुजफ्फरनगर से नहीं, तमाम देश के कोने कोने से जो किसान हैं वो दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और दिल्ली में पुरजोर तरीके से कोशिश है कि कल की परेड ऐतिहासिक परेड हो, और इस परेड को देखने के लिए देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग उत्सुक हों। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कैमरे से कहूँगा दिखाएं, मेरे सहयोगी अनीश चौधरी यहाँ सुबह से डटे हुए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से ट्रैक्टर निकलेंगे, क्योंकि अब तक माना जा रहा है कि हजारों ट्रैक्टर यहाँ से जा चुके हैं और हजारों की लाइन अभी यहाँ पर लगने वाली है, लगी हुई है। एक एक गांव से 50-50 ट्रैक्टर निकल रहे। देखिए दूसरे ट्रैक्टर को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से जो धर्मवीर द्वार है यहाँ से एक ट्रैक्टर निकल कर आया है। इसी तरीके से गाँव से ट्रैक्टर निकल रहे हैं और आगे कूच कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं, आपका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली में जो परेड होने वाली है? हम तो यो चाह रहे जी कानून वापसी हो जाए, और जब ये जो किसान परेशान है ना अपने बेचारे घर आ जाए, और मारा कोई वो नहीं है, यो अपना कानून काला कानून वापसी ले ले मोदी जी। तो बिल्कुल सभी की यही मांग है कि ये कानून जो बनाए गए हैं कृषि कानून ये वापस हो, नहीं तो जो किसान है वो इसी तरीके से दिल्ली में डटे रहेंगे, लगे रहेंगे। हालांकि जो ये परेड हो रही है, इस परेड को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसानों ने अपनी ताकत लगा दी है। किसानों ने साफ कहा है कि बड़ी तादाद में ट्रैक्टर रैली के लिए जा रहे हैं और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। किसान सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वे आंदोलित रहेंगे, चाहे उन्हें सन 2024 तक ही क्यों ना बैठना पड़े। इस पूरे मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता मनोहर चौहान की। मेरे साथ किसान नेता देवेंद्र बालियान यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा और जो तैयारियां हो रही हैं, खासकर मुजफ्फरनगर की बात की जाए, क्योंकि तमाम जो नेता हैं किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं। और सर ये बताइए क्या उद्देश्य है, क्योंकि परेड तो होनी है, ऐतिहासिक होनी है, जो माहौल देखने को बन रहा है उससे तो यही नजर आ रहा है,
लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी किसान विरोधी जो कृषि कानून गवर्नमेंट लाई है, जब तक वे वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा, और हम अपने किसानों की जमीन और मान सम्मान के लिए ये लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। तो मास्टर, ये बताइए आपके इलाके से कितने लोग वहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं? कोई दुविधा तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं बीच में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सभी जो है बड़े उत्साह के साथ में और उल्लास के साथ में और बड़े जो है बड़े शक्ति के साथ में जो है वो जा रहे हैं, और हजारों की संख्या में हमारे गांव से ट्रैक्टर जो है निकले हैं, और हम जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये आप ट्रैक्टरों में जो डीजे लगे हैं, जो गाने बज रहे हैं, वो आज़ादी के बज रहे हैं, क्या आपको ये लगता है आंदोलन आज़ादी के लिए हो रहा है, किसानों की आज़ादी, किसानों के जमीनों की आज़ादी, उनके फसलों की आज़ादी, क्या कहना चाहते हैं? ये जब तक कृषि कानून वापसी नहीं ले जाएगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, भले ही जो है हमें जब तक ये सरकार है ख़त्म नहीं हो जा रही, जब तक ही आंदोलन करें। ये आंदोलन सरकार बनाम किसान है, मोदी बनाम किसान है, क्योंकि मोदी की मुखालफत, सरकार की मुखालफत, या फिर यूं कहें इन कृषि कानूनों की मुखालफत, किसकी मुखालफत? ये कृषि कानूनों की जो हमारी जो है उसके सरकार से हम उसकी मांग कर रहे हैं, वही हमारा वो है। देखिए, आप युवा शक्ति हैं, अगर सरकार आपकी मांगों को अभी भी नहीं मानती है तो फिर किसान क्या करेंगे? आप मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर रणनीति बनाई जाती है, भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोग यहाँ से आते हैं, राकेश टिकैत है उनके भाई यहाँ से आते हैं, तो फिर क्या आप लोगों को लगता है क्या करना चाहिए फिर आगे? आंदोलन जारी रहेगा, 24 तक रहेगा जारी, इससे भी आगे हो सके। अच्छा, 2024 उससे भी आगे हो सके, इतने कृषि कानून वापस नहीं होने के, इतने आंदोलन जारी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। खेत सूखे पड़े हैं, वो महिलाएं काम कर रही हैं, हमने पूर्व में भी खबरें दिखाई हैं, तो कैसे चलेगा? भवन अभी देखेंगे जैसे चला रही रहेगी, किसान सब दिल्ली में रहेगा, चाहे 2024 आ जाओ, चुनाव तक वही रहेगा किसान, जब तक नहीं हटेगा। क्या इस आंदोलन का खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा, हटेगी सरकार, दूसरी सरकार बनेगी जिसे किसान चाहेगा। सरकार या भी किसानों ने ही बढ़ाई थी, पर वह किसान के बारे में कुछ नहीं सोच रही, तो इसलिए इसे तो भुगतनी पड़ेगी चुनाव में। तो देखिए, यही हालात दिल्ली से लेकर पश्चिम के इलाकों तक है, किसानों का साफ कहना है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अनिश्चितकाल के लिए बैठे रहेंगे, और इन तमाम चीज़ों का जो खामियाजा है कहीं ना कहीं सरकार हो, सिस्टम हो, उसको आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा हो, तमाम चुनावों में भुगतना पड़ेगा। अपने सहयोगी अनीश चौधरी के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।